फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइड नॉलेज में। यहाँ पर हमें गिवन है 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 और गिवन है 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 25। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर में LHS और RHS में दोनों साइड में लॉगरिथम ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉगरिथम लेने के बाद log of 5 to the power x is equal to log of 4। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कोई a to the power b वाली टर्म, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है b into log of a। ठीक है, ये पावर में जो b है उसको आगे ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो 5 टू द पावर x है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, लॉगरिथम के आगे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे x इंटू लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में x इंटू लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू, अब 2 को क्या करेंगे आगे लिखे जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास आ चुकी है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन में 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 25 गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या करेंगे, दोनों साइड में LHS और RHS में लॉगरिथम लेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं log of 2 टू द पावर y इज इक्वल टू log of 25। ठीक है, अब y को क्या करेंगे, हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की मदद से आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y इंटू log of 2 इज इक्वल टू log of 25 को क्या लिख देंगे, 5 स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा y इंटू log of 2 इज इक्वल टू 2 इंटू log of 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू log of 5 डिवाइडेड बाय log of 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, x इंटू y, तो x हमारे पास यहां से आ गया और इसी प्रकार हमारे पास y आ चुका है। तो x इंटू y हमारे पास क्या आएगा, तो x इंटू y लिख देते हैं दोस्तों, तो x इंटू y जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू log of 2 डिवाइडेड बाय log of 5 इंटू 2 इंटू log of 5 डिवाइडेड बाय log of 2। ठीक है, x की वैल्यू हमने यहां से पुट की और y की वैल्यू यहां से पुट की। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, हमारे पास आता है log 2 से log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 5 से log 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, x into y is equal to हमारे पास बचता है 2 into 2, यानी कि 2 into 2, तो हमारे पास x into y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 4 के इक्वल आएगी, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।